हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप घर बैठे कोविड-19 मोमेंट पास कैसे हासिल कर सकते हैं। पास को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है। वहां पे आपको सर्च करना है gandrabal.nic.in। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके क्विक लिंक्स पे जाना है। क्विक लिंक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल ई पास सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएगी दूसरे वेबसाइट पे। रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको पास हासिल करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर प्रेजेंट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे गांधरबल सिलेक्ट किया। आपको कौन सा ई पास चाहिए, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट। मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट मुझे ई पास की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एप्लीकेंट डिटेल्स, अपनी डिटेल्स आपको देनी है, अपना नाम यहाँ पर आपको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आरिफ लिख रहा हूँ। पेरेंटेज आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ गुलाम नबी। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। क्या होगा आपका ईमेल एड्रेस, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसी तरह से आपको आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास मौजूद है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसका नंबर आपको डालना है यहाँ पे। आपको समझाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी कार्ड और उसका नंबर मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद आपको नीचे जाके एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। क्या आपका एरिया रेड जोन में आता है, अगर आता है तो यस, अगर नहीं तो फिर नो पे क्लिक कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए। प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हो तो आपको अपना एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस, कहाँ रहते हो आप तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आपके पास गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टू व्हीलर सिलेक्ट किया है, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, अपनी गाड़ी का नंबर। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फ्रॉम डेट, आपको ई पास कब से ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे आज से, आज 18 तारीख है, आज से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो ई पास आपको कहाँ तक ज़रूरत है, फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी गई है 3 अप्रैल तक लॉकडाउन चलेगा, तो 3 अप्रैल तक ई पास के लिए अप्लाई किया है। ट्रैवल रूट फ्रॉम, आपको किस जगह से कहाँ जाना है, या आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे कंगन सिलेक्ट कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे गांधरबल जाना है, तो यहाँ पे गांधरबल ट्रैवल रूट टू डेस्टिनेशन कहाँ है आपकी, मैंने यहाँ पे गांधरबल सिलेक्ट किया है। तो इसके बाद पर्पस, आपको किस लिए ई पास, आपको किस लिए ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ड्यूटी, एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल इमरजेंसी, डेथ की वजह से आपको जाना है, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ फैमिली मेंबर, एसेंशियल सप्लाइज, मेडिकल सप्लाइज, ग्रॉसरी सप्लाइज, मेडिकल केमिस्ट शॉप, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एडिशनल पर्सन अकंपनिंग विद पास, अगर आपको एक से ज़्यादा बंदों के लिए पास की ज़रूरत हो तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने बंदों के लिए पास की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। के लिए जा रहे तो नॉन गोइंग अलोन को सिलेक्ट करना है।
फिर आपको नीचे पास टू बी इशूड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे आपको पास चाहिए। तो अगर आपके साथ दो तीन बंदे होंगे तो आप किसी का भी नाम इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद रिमार्क्स भी आप दे सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करना है और कैप्चा एंटर करना है। कैप्शा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ जिसका इंटरफेस इस तरह से होगा, जहाँ से आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे हमें यहाँ पे जो हमने फॉर्म भरते वक्त आईडी प्रूफ हमने सिलेक्ट किया था, उस आईडी प्रूफ का यहाँ पे फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है, जिस तरह से हमने वहाँ पे गवर्नमेंट आईडी कार्ड सिलेक्ट किया था। और अब यहाँ पे हमें गैलरी में से एक फाइल चूज़ करनी है और वो फोटोग्राफ हमें यहाँ पे अपलोड करना है और सेव एनेक्शर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और अगले पेज पर आपको एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो जाएगा और साथ में आपको एक एसएमएस और ईमेल भी रिसीव हो जाएगा।